May I have your attention, please? May I have... हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ब्राइट लाइट सॉल्यूशंस। मेरा नाम सजाद है और थैंक यू सो मच आपके लवली रिस्पॉन्सेज के लिए। मैं इसी तरह वीडियोस बनाता रहूँगा और आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक सर्किट जिसका नाम है एलईडी ब्लिंकिंग, और उसका जो की कंपोनेंट है वो मेरे पास है। अभी आप देख सकते हैं 555 टाइमर, और इस 555 टाइमर की अगर पिन कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो जो हमारा सर्किट था एलईडी ब्लिंकिंग, उसका की कंपोनेंट यहाँ पे है। आप देख सकते हैं 555 टाइमर। तो इसकी जो एक्चुअल पिन कॉन्फ़िगरेशन होती है वो हम जानेंगे कि क्या वर्क होता है, उनका कैसे वर्क करती है। तो स्टार्ट करते हैं पहली पिन से, जो कि होती है हमारी ग्राउंड, जो इसको ग्राउंड कनेक्शन दिया जाता है। किसी भी सर्किट में अगर आप देखेंगे, मोस्टली सर्किट जो एलईडी होते हैं या 555 के होते हैं, उनमें आप देखेंगे जो पहले पिन नंबर 1 होती है वो ग्राउंडेड होती है हमेशा। उसका काम ही है कि उसे ग्राउंड करना है, कनेक्शन हमेशा ग्राउंड का देना है। जो नेक्स्ट पिन होती है हमारी ट्रिगर पिन होती है, ये एक्चुअल में एक इनपुट पिन होती है। ये क्या करती है, ये हमेशा हाई रहती है, हाई रहेगी जब तक VCC जो होती है, इसकी जो हम सप्लाई देंगे यहाँ पे 9 वोल्ट या 5 वोल्ट या कुछ भी वोल्ट, वो आपकी इच्छा है। इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज जो भी होती है उसके अंडर आप अगर देंगे, तो जो ट्रिगर पिन होती है ये हमेशा हाई रहेगी जब तक इसकी जो हाफ वोल्टेज है वो VCC के 1/3 से लेस होगी, ये हमेशा हाई होगी। तो ट्रिगर काम का यही है कि इसे हाई रहना है टाइम इंटरवल तक। नेक्स्ट पिन जो है हमारी आउटपुट पिन होती है, यहाँ से हमें आउटपुट मिलता है किसी भी सर्किट का। अगर हम 555 यूज़ करते हैं, ये मेनली हमें आउटपुट देगी, जो हमें हम देखेंगे सर्किट में कि क्या हमारा एलईडी ऑन हो रहा है या ऑफ हो रहा है, वो हम यहाँ से चेक करते हैं, क्योंकि ये आउटपुट होता है। नेक्स्ट पिन जो है इसकी वो रीसेट पिन होती है। ये एक्चुअल में क्या होता है, रीसेट क्या होता है कि एक सर्किट को रीसेट देता है। ये क्या करती है पिन, एक्चुअल में एक पिन वर्क जो इसका वर्क है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल नॉइज़ को प्रिवेंट करता है रीसेट होने से। जो भी इलेक्ट्रिकली नॉइज़ होगी सर्किट की, वो रीसेट क्या करेगा, उसे प्रिवेंट कर देगा। नेक्स्ट पिन आप देख रहे हैं कंट्रोल। कंट्रोल पिन जो होती है वो एक्चुअली मोस्टली सर्किट में हम खुली ही छोड़ देते हैं, मतलब उसका कोई कनेक्शन नहीं करते हैं। मगर ये एक्चुअल में क्या वर्क करती है इस 555 टाइमर में, ये क्या करती है, हमें इंटरनल वोल्टेज डिवाइडर को एक्सेस देती है कि अगर हमें VCC की हम जो भी सप्लाई देंगे उसकी क्या करती है, हमें इंटरनल वोल्टेज डिवाइडर की एक्सेस देती है। तो नेक्स्ट पिन जो है हमारी 6th पिन जो कि है थ्रेशोल्ड। अब ट्रिगर और थ्रेशोल्ड आप देखेंगे मोस्टली सर्किट्स में क्या होता है, शॉर्ट होती है। तो एक्चुअल में क्या होता है, जो ट्रिगर होता है उसी का उल्टा थ्रेशोल्ड होता है। ये लो पे हाई रहती है, ये ज़्यादा अगर करेंगे जो हमारी इनपुट कॉन्स्टेंट वोल्टेज होगी हाफ से ज़्यादा रहेगी VCC के, VCC से ज़्यादा रहेगी अगर, तो ये ऑन रहेगी। मगर जब इसका टाइम इंटरवल एंड हो जाएगा तो आउटपुट पिन क्या हो जाएगी, इसकी जो एक्चुअल में इनपुट पिन है वो लो हो जाएगी। तो इसका काम और इसका काम मोस्टली सेम होता है अगर हम इसे शॉर्ट कर देंगे तो। बाकी अगर इसे हमें शॉर्ट नहीं करते हैं तो इसका काम अलग है, इसका काम अलग है, मतलब ये जो करता है उसी का उल्टा ये करता है। मगर हम जो मोस्टली जो 555 के जो सर्किट्स होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, इन दोनों को शॉर्ट कर देते हैं ताकि हमें यहाँ भी वही मिले, यहाँ भी वही मिले। नेक्स्ट पिन जो है वो उसकी 7 जो कि है डिस्चार्ज। ये क्या करती है, जो कैपेसिटर क्या करती है, कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने में जितना टाइम लगता है ये वो करती है डिस्चार्ज। 8 पिन जो है इसकी VCC पिन है, यहाँ से आप सप्लाई देते हैं इस 555 टाइमर को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्किट बनाया है एलईडी ब्लिंकिंग का। आप इस नंबर से कंफ्यूज मत होना कि मैंने ये एक्चुअल में 555 टाइमर है हमारी, तो इसके नंबर से कंफ्यूज मत होना कि ये नंबर कैसे पता लगे। एक्चुअल में क्या है कि हमने इस सर्किट को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर्स यहाँ पे बनाए हैं ताकि एक सर्किट विजिबल हो, उसकी क्लैरिटी अच्छी हो। तो उससे क्या होता है कि हमें पता लगता है कि यहाँ कौन सा कंपोनेंट है, यहाँ कौन सा कंपोनेंट है। तो इसलिए मैंने नंबर सिर्फ अपने अकॉर्डिंग रैंडमली मैंने बनाया है सर्किट के लिए। तो आप देख सकते हैं ये, जैसा कि मैंने बताया था 1 पिन जो होती है वो ग्राउंडेड होती है, तो आप देख सकते हैं ग्राउंड कनेक्शन में है वो कनेक्टेड।
सेकंड पिन आपको पता है कि मैंने बताया था ट्रिगर, तो ये ट्रिगर है, यहाँ पे हमने लगा रखा है कैपेसिटर जो कि इनपुट और आउटपुट वोल्टेज को कंपेयर करेगा। देन आप देख सकते हैं पिन 7 जो थी, और 6 पिन पर हमने लगा रखा है एक रेसिस्टर 470 ओम का। देन आप देख सकते हैं 7 पिन 7 एंड पिन 4 में हमने लगा रखा है 1 किलो ओम का एक और रेसिस्टर। देन 8 पिन पे, और 4 और 8 पिन जैसा कि मैंने बताया था शॉर्ट की जाती है, ये पिन रीसेट होती है, ये पिन VCC होती है, तो यहाँ हमने 9 वोल्ट की एक VCC दे रखी है सप्लाई। देन आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने बताया था कंट्रोल जो होती है उसका मोस्टली सर्किट में ऐसे ही छोड़ देते हैं, उस पर कोई कनेक्शन नहीं होता, तो ये यहाँ पे देख सकते हैं इसका कोई कनेक्शन नहीं है, तो इसका कोई काम भी नहीं है। देन आप देख सकते हैं 3 पे हमने एक 1 किलो ओम का रेसिस्टर लगाया, और यहाँ देख सकते हैं LED लगी है। तो जैसा कि बताया था कि 3 क्या होती है, हमारी आउटपुट होती है, तो यहाँ से हमें LED का आउटपुट मिलेगा, तो इसलिए 3 है। 3 पे आप देख सकते हैं कि हमने LED लगा रखी है, तो यहाँ से जो LED होगी वो ब्लिंक करेगी। तो ये था पूरा सर्किट LED ब्लिंकिंग का। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस पूरे सर्किट को ब्रेडबोर्ड पे असेंबल करेंगे, बिल्कुल एवेंजर पहले जिसमें हमें करना है ब्रेडबोर्ड, तो हम उसके बारे में जान लेते हैं कि ब्रेडबोर्ड एक्चुअल में क्या होता है और वो कैसे वर्क करता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेडबोर्ड रखा हुआ है, इसके कनेक्शन बहुत ही सिंपल है, अगर आपको एक बार आ जाएगा तो सारे कनेक्शन एक साथ हो जाएंगे। आप देख सकते हैं ये जो 1 2 3 4 5, ये 5 का एक कॉम्बिनेशन होता है, तो ये हम यूज़ करते हैं मेनली नेगेटिव अगर हमें ग्राउंड देना हो या पॉजिटिव देना हो। प्लस ये जो 5 है इनका एक कॉम्बिनेशन होता है, 1 2 3 4 5, ये जो अलग 5 है इनका अलग कॉम्बिनेशन होता है। मतलब आप देख सकते हैं, अगर इसमें उल्टा करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये 1 2 3 4 5 यहाँ तक जुड़ा होता है, ये सारे इसके कनेक्शन सेम होते हैं। प्लस आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा गैप है, तो वो गैप बताता है कि ये जुड़ा नहीं हुआ है, ये अलग है 5, ये अलग है 5। प्लस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पिंस दूसरी भी होती हैं, जो नीचे हमें जो मेन कनेक्शन होता है सर्किट का वो यहीं से होता है। तो ये जो पिंस आप देख रहे हैं, ये पिंस अलग होती हैं हॉरिजॉन्टली, प्लस वर्टिकली ये सेम होती हैं। और अगर आप इसके केस में अगर मैं बताऊँ, तो मैंने जैसे बताया था कि ये सेम होता है, तो मतलब हॉरिजॉन्टल इसकी पिन जितनी भी होंगी 5 कॉम्बिनेशन के 5 में, वो सारी सेम होंगी। इसमें क्या होता है कि इसमें हॉरिजॉन्टल यहाँ पे डिफरेंट होती है, वर्टिकल सेम होती है। आप देख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग कि जैसा मैंने बताया कि हॉरिजॉन्टली यहाँ पे अलग होता है, वर्टिकली यहाँ आप देख सकते हैं कि जुड़ा होता है, सारी आप देख सकते हैं कि जैसे जुड़ी हैं पिंस। तो ऐसे इसमें कनेक्शन करे जाते हैं पॉजिटिव नेगेटिव के ऊपर नीचे, प्लस आप देख सकते हैं ये जो पिंस है सारी एक साथ जुड़ी होती है, और आप इसको ऐसे इसको निकाल भी सकते हैं अगर आपको जोड़ना हो जैसे ब्रेक। तो हमारे पास जो पहला वेंजर हुआ है हमारा टेबल का टाइमर, इसको हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्ट हुई है। देन हम क्या करेंगे, सर्किट के अकॉर्डिंग हमारा जो पिन नंबर 1 था वो हमें क्या करना है, ग्राउंड, तो हम इसको ग्राउंड कर देते हैं, आप देखते हैं ग्राउंड हुई है। देन हमारे पास एक कैपेसिटर था जो कि पिन नंबर 2 और पिन नंबर 1 से कनेक्ट है, मतलब पॉजिटिव जो है वो पिन नंबर 2 में है और इसकी नेगेटिव पिन नंबर 1, तो हम इसको पिन नंबर 2 और पिन नंबर 1 में कनेक्ट कर देंगे, आप देख सकते हैं कनेक्ट हो चुकी है। देन पिन 6 एंड पिन 7 में हमें लगाना है 470 ओम का रेजिस्टर, तो हम यहाँ से 470 ओम का रेजिस्टर लेंगे, पिन नंबर 6 एंड पिन नंबर 7 में से कनेक्ट कर देंगे, ये हमारी पिन नंबर 6 एंड पिन नंबर 7, आप देख सकते हैं कनेक्ट हो चुकी है। देन हमें पिन नंबर 7 और पिन नंबर 4 में एक 1 किलो ओम का रेसिस्टर कनेक्ट करना है, तो हम यहाँ से 1 किलो ओम रेसिस्टर लेंगे और इसको पिन नंबर 4 जो कि ये है और पिन नंबर 7 में कनेक्ट कर देंगे, तो 1 किलो ओम का रेसिस्टर कनेक्ट करना है जो कि है पिन नंबर 3 से, ये इसकी पिन नंबर 3। बस अब हमें एक पॉजिटिव वायर निकालनी है जो कि हम पिन नंबर 1 से निकालेंगे क्योंकि हमारा VCC होता है और हम इसे पॉजिटिव में कनेक्ट कर देंगे। प्लस एक हमें ग्राउंड से भी वायर निकालनी होगी जो कि हमारा ये है। अब हमें बैटरी के कनेक्शन से देना है, पॉजिटिव को हम पॉजिटिव से कनेक्शन देंगे, ये तो हमारा ये पॉजिटिव हो गया, हम इसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे LED ब्लिंक कर रही है। आप देख सकते हैं सर्किट हमारा ब्लिंक करने लग गया, वाओ इट्स सो ब्यूटीफुल।
हेलो सर, कहाँ जा रहे हो कहाँ जा रहे हो? आप वीडियो देख लिए तो उसको लाइक भी कर दो, कमेंट भी कर दो, प्लस सब्सक्राइब भी कर दो। प्लस पिछली वीडियोस में बहुत ही सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आए थे, जैसे कि मैं कमेंट्स पढ़ के बताता हूँ। तो काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किया, हमें बहुत पसंद आया उस चीज़ को। एक कमलदीप सर है, उन्होंने कमेंट किया है, नाइस जॉब सर, कीप गोइंग। तो सर आप ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए, हमें कमेंट्स करते रहिए, हम आपके लिए नॉलेजेबल वीडियोस लेके आएंगे। प्लस एक और हैं जिन्होंने कमेंट किया है, मिस्टर कुलदीप कुमार, इन्फॉर्मेशनल वीडियो ब्रो। तो सर ऐसे आप कमेंट करते रहिए, हम आपके लिए और भी नॉलेजेबल वीडियोज़ लेके आएंगे। प्लस अगली वीडियो में हम प्रोजेक्ट करने वाले हैं एक स्ट्रीट लाइट का, जो कि एक बहुत ही बिगिनर लेवल प्रोजेक्ट है। उसका की कंपोनेंट होगा ट्रांजिस्टर। अगर आपको कभी कनेक्शन करना हुआ तो आप इसे यहाँ भी जोड़ सकते हो। इसको बहुत सारे वेज में यूज़ करा जा सकता है। बस आप देख सकते हैं ये सब जुड़ जाता है, इसमें साथ जुड़ नहीं रहा, मैं आपको दिखाता हूँ।